बिहार में नीतीश कुमार से नाता टूटने के बाद राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व डिप्टी सीएम रहे और उनके बेटे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लालू यादव आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने कथित जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव को अपने पटना कार्यालय में पूछताछ के लिए समन जारी किया था। लालू प्रसाद आज पेश हुए, वहीं तेजस्वी को 30 जनवरी को बुलाया गया है। लालू यादव सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे। भारी संख्या में आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं की भीड़ ईडी ऑफिस के बाहर इकट्ठा हो गई थी। लालू यादव की बेटी मीसा भारती भी साथ थी। कुछ देर बाद वो अपनी मां राबड़ी देवी के आवास लौटी और लालू यादव के लिए खाना लेकर दोबारा ईडी दफ्तर गईं। काफी सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करा के आए हैं, जो इतने लंबे समय तक वो बैठ भी नहीं पाते हैं, बार बार उनको वॉशरूम जाना होता है। अब किस तरह से अंदर वो मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने अंदर एक बार उनसे बात करने की कोशिश की थी बट मुझे अनुमति नहीं मिली। कुछ दिनों पहले ईडी की एक टीम समन देने के लिए लालू यादव की पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित आधिकारिक आवास पर गई थी। ये कथित घोटाला उस समय का है जब लालू प्रसाद यूपीए की पहली सरकार में रेल मंत्री थे। लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक 2004 से 2009 तक इंडियन रेलवे के अलग अलग जोन में ग्रुप डी पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था। इसके बदले में लोगों ने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को दे दी थी। मामला दर्ज होने के बाद राबड़ी देवी, उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव सहित लालू प्रसाद के परिवार के अन्य लोगों को नामजद किया गया। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईडी के सामने पिता की पेशी को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार गिरिड के साथ साथ सीबीआई, ईडी और इनके मालिक होंगे। समझा जा रहा है कि लालू से पूछताछ के बाद अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस मामले में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तेजस्वी इस मामले में पिछले साल दिल्ली में एक बार एजेंसी के सामने पेश हो चुके हैं। इससे पहले 22 दिसंबर और 5 जनवरी को ईडी ने तेजस्वी को पूछताछ के लिए बुलाया था, मगर तेजस्वी यादव नहीं गए थे। तेजस्वी ने ईडी के समन पर कहा था कि लोकसभा चुनाव तक ये सब चलता रहेगा। बिहार में जारी ताजा घटनाक्रम में अब सत्ता का परिवर्तन हो गया है और इस सियासी उलटफेर के बीच अब तेजस्वी यादव ईडी की कार्रवाई को कैसे लेते हैं, ये देखना होगा। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।